नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट टेक। गाइस, अभी कुछ वीडियोस पहले ही हमने एक वीडियो आपके लिए बनाया जिसमें विंडोज इंस्टॉल करते टाइम एडिशन सेलेक्ट ना कर पाने की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। इसके लिए हमने आपको बताया था कि आप नोटपैड की हेल्प से एक कॉन्फिगरेशन फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल को आप अपनी बूटेबल पेन ड्राइव के सोर्सेज फोल्डर में मूव कर देंगे। फिर जब भी आप पेन ड्राइव से अपने सिस्टम को बूट करेंगे और पेन ड्राइव की हेल्प से आप विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास एडिशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन बार बार पेन ड्राइव में कब तक आप फाइल को ऐड करते रहोगे? आओ इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डायरेक्ट आईएसओ में ऐड कर देते हैं। फिर जब भी आप इस आईएसओ की हेल्प से बूटेबल पेन ड्राइव बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक ऐसी पेन ड्राइव बनेगी जिसकी मदद से जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करोगे तो एडिशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमको क्रिएट कर लेनी है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था वैसे ही आपको करनी है, लेकिन फिर से इस वीडियो में बता देता हूं। आपको सिर्फ नोटपैड ओपन करना है और यहां पर ये लिखना है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ठीक है। ये चार लाइन में ये चार वर्ड लिखने हैं और इस फाइल को आपको सेव कर देना है इस नेम से। ये एक बहुत ही क्रूशियल चीज है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। एक तो जो नोटपैड में लिखना है वो आपको सेम एज इट इज लिखना है, साथ ही इस नेम से आपको सेव करनी है और ये रहेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में eii.cfg और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस नेम से आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जो फाइल है डेस्कटॉप पे आ गई, आप देख सकते हैं। और डेस्कटॉप पर ही मेरे पास यहाँ पर एक विंडोज 10 की आईएसओ इमेज है। ये इमेज वही इमेज है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, जो कि ड्यूअल आर्किटेक्चर बेस्ड वाली इमेज है। इसमें 32 बिट बेस्ड आर्किटेक्चर भी है और 64 बिट बेस्ड आर्किटेक्चर भी है। यानी कि अगर आप इस इमेज का यूज लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप 32 बिट बेस्ड विंडोज इंस्टॉल करेंगे या फिर 64 बिट बेस्ड। और इसीलिए इसका साइज भी थोड़ा सा ज्यादा है, 7GB की आईएसओ इमेज है। तो हम इसी में इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो इसमें फाइल को ऐड करने के लिए हमें एक टूल की नीड होगी, उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसका नाम है एनीबर्न। गूगल पे आप सर्च करेंगे डाउनलोड एनीबर्न, कोई सी भी आपको वेबसाइट मिले कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस टूल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट इमेज फाइल का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आप अपनी इमेज फाइल जो कि विंडोज की आईएसओ इमेज होगी, चाहे वो विंडोज 10 हो, 11 हो या फिर विंडोज 8 हो, कोई सा भी विंडोज वर्जन हो, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। आईएसओ इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपको आपकी इमेज के अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। क्योंकि ये इमेज हमारी ड्यूअल आर्किटेक्चर वाली इमेज है इसलिए आपको इसमें थोड़े से डिफरेंट फोल्डर नजर आ रहे होंगे। दो फोल्डर आपको अलग से नजर आ रहे होंगे, एक तो X64 और X86। अगर ये सिंगल आर्किटेक्चर वाली इमेज होती तो यहां पर ये दो फोल्डर नजर नहीं आते, आपको डायरेक्ट सोर्सेज नाम का फोल्डर यहां पर नजर आता। तो हमें क्या करना है, इन दोनों फोल्डर में वन बाय वन जाना है और उसमें अवेलेबल सोर्सेज फोल्डर में अपनी ये फाइल ऐड करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट जो फोल्डर है हमारा उसमें जाते हैं और सोर्सेज वाला फोल्डर हम अपना ओपन करते हैं और यहाँ पे ऊपर जो ऐड का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद वो अपनी फाइल सेलेक्ट करते हैं, हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये फाइल यहाँ पे ऐड हो गई है, आप देख सकते हैं, और सोर्सेज फोल्डर में ही होनी चाहिए। बैक आते हैं और दूसरे फोल्डर में आते हैं, यानी कि X86 वाले फोल्डर में आते हैं। इसमें भी एक सोर्सेज फोल्डर मिलेगा क्योंकि ये 32 बिट और 64 बिट दोनों के सोर्सेज फोल्डर अलग हैं और इसी वजह से इमेज का साइज भी बढ़ गया। तो हम यहाँ पे X86 में जाते हैं, सोर्सेज में जाते हैं और यहाँ पर CFG फाइल अपनी ऐड कर देते हैं। दोनों फोल्डर में अपनी CFG फाइल हमने ऐड कर दी है। अगर मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपका सिंगल आर्किटेक्चर आईएसओ है तो डायरेक्ट आपको सोर्सेज फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको सिर्फ वन टाइम CFG फाइल ऐड कर देनी। इतना करने के बाद नीचे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, देन क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देंगे। ऊपर आप डिटेल्स चेक कर लेंगे कि आप आईएसओ ही क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी और बहुत तेजी से आपकी नई आईएसओ क्रिएट हो जाएगी। और इस आईएसओ की मदद से जब भी आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे और उसको आप बूट करेंगे अपने सिस्टम में, और मैं आपको दिखा भी रहा हूं यहाँ पे स्क्रीन पे, आप जो भी आर्किटेक्चर का विंडोज अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, जो भी आपके सिस्टम को सपोर्ट करता है, उसमें आपको एडिशन सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। आशा करता हूं जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इस तरीके की आईएसओ बना के अपने पास रख लेंगे और जब भी आप इसको फ्यूचर में काम में लेना चाहें ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।